एक और बड़ी अपडेट सभी के लिए, भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी, गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी होंगी निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए केंद्र को लिखा पत्र। दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना में नियम विरुद्ध तरीके से प्रतिकर बांटने का है मामला। मेरठ के तत्कालीन कमिश्नर डॉक्टर प्रभात की जांच में दोषी मिले पूर्व जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा के खिलाफ होगी दर्ज FIR। संबंधित फाइल दबाकर रखने वाले नियुक्ति विभाग के कर्मियों के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। दो DM हो चुके हैं निलंबित हुए थे DM व अमीन। तो कुल मिलाकर भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी, गाजियाबाद की जो पूर्व DM निधि केसरवानी है ये निलंबित होंगी, ठीक है। भ्रष्टाचार पर चाबुक चलाना जारी रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितताओं के लिए गाजियाबाद की तत्कालीन जिलाधिकारी निधि केसरवानी को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रकरण केंद्र सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए हैं। मूलतः है मणिपुर कॉडर मतलब की वर्ष 2004 की बैच की IAS अधिकारी निधि वर्तमान में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने निधि केसरवानी से पहले गाजियाबाद के जिलाधिकारी रहे विमल कुमार शर्मा के खिलाफ भी FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह मामला शासन में लगभग 5 वर्षों तक दबा रहा, तो ये मामला जो है अब निकल के सामने आया है। तो ये जो अब DM है दोस्तों, ये गिरफ्त में आएंगे।